नमस्कार दोस्तों, इंफ्राटॉस के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं कुछ न्यू टेक्सटाइल पार्क से, जहां पर दोस्तों पीएम मित्रा स्कीम के अंतर्गत हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 7 टेक्सटाइल पार्क फाइनलाइज कर दिए गए हैं और इसके थ्रू हमारे देश में डोमेस्टिक टेक्सटाइल प्रोडक्शन को बूस्ट किया जाएगा। दोस्तों मैं आपको डिटेल में बताऊँ तो तमिलनाडु के विरुद्धनगर, तेलंगाना के वारंगल, महाराष्ट्र के अमरावती, कर्नाटक के कलबुर्गी, गुजरात के नवसारी, मध्य प्रदेश के धार और यूपी का लखनऊ, इन 7 प्लेसेस पर या फिर 7 लोकेशंस पर ये टेक्सटाइल पार्क्स बनकर तैयार होंगे। कहा ऐसा जा रहा है कि हर एक टेक्सटाइल पार्क एटलीस्ट 1000 एकड़ के एरिया में तो बना ही होगा, यानी कि सभी के सभी लार्ज स्केल के टेक्सटाइल पार्क्स होंगे। टोटल 4445 करोड़ रुपीज इस पूरी पीएम मित्रा स्कीम के ऊपर स्पेंड किए जाएंगे और ट्रांचेस में फंड्स रिलीज किए जाएंगे। दोस्तों ऐसा नहीं है कि सभी के सभी टेक्सटाइल पार्क्स ग्रीनफील्ड ही होंगे, ये पूरा का पूरा स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है कि अगर उनको ग्रीनफील्ड पार्क डेवलप करना है तो ग्रीनफील्ड होगा और अगर उनको ब्राउनफील्ड पार्क डेवलप करने हैं तो ब्राउनफील्ड होंगे। और क्योंकि एक ही समय पर सभी स्टेट्स के लिए टेक्सटाइल पार्क्स फाइनलाइज किए गए हैं तो देखते हैं कि सबसे पहले कौन सी स्टेट में बनकर तैयार हो पाता है। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है स्टील पीएलआई स्कीम से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों स्टील प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए स्टील पीएलआई को हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किकस्टार्ट कर दिया गया है और 27 कंपनीज के साथ स्टील प्रोडक्शन को लेकर एमयू भी साइन कर लिए गए हैं। दोस्तों स्टील पीएलआई स्कीम, जैसा कि आप जानती हैं कि इसको 6322 करोड़ रुपीज़ के फाइनेंशियल बजट के साथ में अनाउंस किया गया था। इसकी डेडलाइन को कई बार बढ़ाया भी गया है क्योंकि पहले इसको इतना बेहतर रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला था। फाइनली अब लास्ट टाइम ये देखा गया कि अब इसको थोड़ा बेहतर रिस्पॉन्स देखने को मिला है। टाटा स्टील, जीएसडब्ल्यू स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, निपोन स्टील इंडिया, जिंदल स्टील एंड पावर, ऐसी कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज सभी इस पीएलआई स्कीम में क्वालिफाई कर गई हैं। हालांकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एमयूस तो 27 कंपनीज के साथ साइन किए गए हैं, पर एमयूस के नंबर 57 हैं क्योंकि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनके साथ मल्टीपल एमयूस साइन किए गए हैं। और अब क्योंकि ये पीएलआई स्कीम स्टार्ट हो गई है तो इसके चलते अगले 5 सालों के अंदर अंदर हमारे देश की स्टील सेक्टर में 25 मिलियन टन का स्टील कैपेसिटी एडिशन होता हुआ देखने को मिलेगा, साथ साथ 30,000 करोड़ रुपए से ऊपर की इन्वेस्टमेंट भी आती हुई देखने को मिलेगी। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है दिल्ली मेरठ आरआरटीएस से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों दिल्ली मेरठ आरआरटीएस के अंतर्गत 4th टनल का भी ब्रेक थ्रू अचीव कर लिया गया है। टनल बोरिंग मशीन सुदर्शन के द्वारा काम कंप्लीट किया गया है। दोस्तों ये टनल गांधीबाग से बेगम पुल के बीच में बनकर तैयार हुई है। 750 मीटर इसकी लेंथ बताई जा रही है। बेसिकली इस एरिया में 2 पैरेलल टनल्स का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था जो कि टू एंड फ्रो मूवमेंट के लिए थी। एक पहली बनकर तैयार हो गई थी और अब दूसरी भी क्योंकि बनकर तैयार हो गई है तो इसके लिए आप कह सकते हैं कि इस एरिया में जो टनल्स का काम था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। सिमिलरली दोस्तों इस टनल की तरह और भी एरियाज में टनल का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो भी 1x1 आपको कंप्लीट होती हुई देखने को मिलेंगी। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है एक न्यू ज्वेलरी पार्क से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने ज्वेलरी एसोसिएशन बैंगलोर के साथ में एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है और अब इसके थ्रू ये दोनों मिलकर कर्नाटका स्टेट में एक बड़े स्केल का ज्वेलरी पार्क सेटअप करेंगे। सो बेसिकली दोस्तों ज्वेलरी की मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड दोनों के प्रमोशंस के लिए ज्वेलरी पार्क सेटअप किया जाना है। अभी हालांकि कोई लोकेशन तो फाइनलाइज नहीं की गई है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये ज्वेलरी पार्क बेंगलोर के आसपास या फिर बेंगलोर में बनकर तैयार होगा। दोस्तों देखिए एक तरह से इम्पोर्टेंट भी था क्योंकि पिछले एक साल के अंदर अंदर देखा गया है कि कर्नाटका स्टेट के जो जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट हैं वो 169% तक ग्रो कर गए हैं, जो कि काफ़ी एक्सेप्शनल थिंग होती है, जहां से हमें ये पता चलता है कि कर्नाटका की जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री है वो काफ़ी तेज़ से ग्रो होना स्टार्ट कर चुकी है। इसको थोड़ा सा और पुश करने के लिए अब ये ज्वेलरी पार्क कर्नाटका में सेटअप किया जाएगा और एक बार जब ये बनकर तैयार हो जाता है तो जेम्स एंड ज्वेलरी की मैन्युफैक्चरिंग तो होगी होगी, ट्रेड भी प्रमोट होगा, साथ साथ 1,00,000 से ज़्यादा डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट हो पाएंगी। दोस्तों देखते हैं कि कब तक इसको बनाकर तैयार किया जाता है। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है हमारी रेलवे से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों हमारी रेलवेज के द्वारा हमारे देश के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में 2 और इम्पोर्टेंट रेल रूट्स के इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट कर दिया गया है और अब इसी के चलते मेघालय स्टेट में भी पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन को स्टार्ट किया जा चुका है। दोस्तों हमारे देश के नॉर्थ ईस्ट साइड पर रेलवेज का जितना भी काम होता है उसको मोस्टली नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन के द्वारा हैंडल किया जाता है। रिसेंटली दुधना से मेदिनीपत्थर के बीच में 22.8 किलोमीटर की जो सिंगल लाइन है इसकी इलेक्ट्रिफिकेशन और अभयपुरी से पंचरत्न तक 34.59 किलोमीटर की जो रेल लाइन है इसकी दोनों लाइन्स पर भी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट किया गया है और इसी के चलते सक्सेसफुल हो पाया है कि मेघालय हमारी रेलवे के इलेक्ट्रिक रेल मैप में शामिल हो गया है, क्योंकि मेदिनीपत्थर से दुधनई के बीच में पहले इलेक्ट्रिक ट्रेन को या फिर पहले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को हमारी रेलवे के द्वारा ऑपरेट कर लिया गया है। और जिस प्रकार से हमारे देश के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में रेल प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है, धीरे धीरे हमको सभी स्टेट्स इलेक्ट्रिक रेल मैप पे आती हुई देखने को मिलेंगी।
आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों फॉरेन कंट्रीज में इंडियन यूनिवर्सिटीज को एस्टेब्लिश करने के लिए UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा रेगुलेशंस को तैयार कर लिया गया है और अगले एक महीने के अंदर अंदर इनको रोल आउट कर दिया जाना है। दोस्तों कुछ अफ्रीकन कंट्रीज, कुछ गल्फ नेशंस, थाईलैंड, वियतनाम, इस प्रकार के कुछ और कंट्रीज है जिन्होंने ये इंटरेस्ट शो किया है कि वो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को उनके कंट्रीज में सेटअप करना चाहती है, जिसमें सबसे ज़्यादा डिमांड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि IITs की है और IITs को लेकर काम थोड़ा एडवांस स्टेजेस में भी है। IIT दिल्ली के द्वारा UAE में उनका एक कैंपस प्लान किया जा रहा है, जबकि IIT मद्रास तंजानिया, श्रीलंका, नेपाल, इजिप्ट, थाईलैंड, मलेशिया, UK ऐसी कंट्रीज में ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रही है। तो दोस्तों देखते हैं कि इन रेगुलेशंस में क्या निकल कर आता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।